हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। मेरी अमी फूड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पार्टी है, फंक्शन है, आपके घर में कोई भी है, तो आप उसमें आलू पैटीज बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने आज बनाने जा रही हूँ आलू की पैटीज, वो भी बहुत इजी स्टेप्स है। तो आइए इस रेसिपी को हम देखते हैं मैंने इसको किस तरह से बना। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल लिया, इसमें एक बड़ा कप मैंने इसमें मैदा डाला है, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें, और एक बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमें किस हिसाब से हमें तेल डालना है। जब तक हाथ से हमारा बाइंडिंग नहीं हो जाता है इस तरह से, देखिए जैसे कि अभी मैं हाथ से ऐसे कर रही हूँ, तो इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अगर आपका ये बाइंड नहीं हो रहा तो आप थोड़ा और तेल ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इतना ही है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छा से डो बना लेंगे। डो हमारा ना ज्यादा टाइट होगा ना ज्यादा पतला होगा, हम इसका मीडियम डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक इसका गूंदा हुआ आटा तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसको ढक के रख देती हूँ। अभी मैं ये आलू ले रही हूँ, उबले हुए आलू लिए, मैंने चार आलू लिए हैं। इसमें मैंने कुछ उबली मटर भी ली है। पहले हम इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे आलू और मटर जो है, क्योंकि आलू भी उबले हुए हैं मटर भी है, तो अच्छे से हम इसको एक बार मैश कर लेंगे। एक पैन लेके एक बड़ा चम्मच तेल डाल हम इसमें डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। क्योंकि हम ये आलू पैटीज की हम इसमें आलू की हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं हम पैटीज की, तो इसमें आप अपनी मर्जी से, अगर आपको इसमें वेजेस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल आलू की करनी है तो इसमें आप आलू डाल सकते हैं, कि आपको स्टफिंग किस तरह से रखनी है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसमें मिर्च डालेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार आप डालेंगे। उसके बाद नमक भी हम अपने टेस्ट अनुसार डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं और जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मैं आलू को मैश कर लेंगे, एकदम थोड़े से जो एकदम पिचके पिचके से टाइप होते हैं उस तरह से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे आलू को। तो देखिए मेरा आलू तैयार हो गया। ये मैंने एक मक्खन लिया है, आप घर का ले सकते हैं, बाजार का भी ले सकते हैं। इसमें दो चम्मच में मैदा ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे थोड़ा फ्लफी टाइप का हो जाता है, इसको हमें फ्लफी टाइप रखना है। तो जैसे कि हमारा हम आटा देख लेते हैं, आटा मेरा जो था अभी हम उसको छोटी छोटी सी हम इसको डिवाइड कर देंगे लोइयों में, उसके हम पतली पतली रोटी बना लेंगे। ऐसे ही हम इसकी ऐसी पतली पतली रोटियां बना लेंगे। ये मैंने पांच रोटी बनाई है, तो हम पहली रोटी लेंगे, उस पर जो हमने जो मक्खन और जो कॉर्न वो मैदे का जो पेस्ट बनाया था हम इस पर लगा देंगे, ताकि अच्छे से इसकी जो परत आए वो इसी से ही निकल के आएगी। तो हमें इसको जो मक्खन और जो हमने जो मैदा का बनाया था उसको हमें चारों तरफ से अच्छे से लगाना है, फिर हमें दूसरी रोटी रख के लगाना है, फिर हमें तीसरी। मैंने ऐसे पाँच रोटी बनाई है, तो हम इसमें पाँच रोटी पर ही हम इस तरह से अच्छे से हम इसको लगाएंगे। अगर इसको लगाने से ये होगा, ये थोड़ा तो खस्ता सी बनेगी, और थोड़ा क्या होगा, इसकी परत जो होती है हमें जो उसके लच्छे टाइप से जो होते हैं वो हमें इसी से ही निकल के आएंगे। तो इस पर हमें अच्छे से ध्यान देना है, इसको हमें अच्छे से लगाना है। तो हमें इसे अच्छे से किनारों में, बीच में से, साइडों से अच्छे से हमें इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने कवर कर दिया है, तो हम इसको अच्छे से मोड़ देंगे, इसको इस तरह से रैप करके अभी हम इसके डिवाइड कर लेंगे। एक हम नाइफ ले लेंगे, तो इस तरह से नाइफ करने के बाद हम इसको एक डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने डिवाइड कर दिया, एक बीच का हिस्सा हम लेके इसको हमें बीच के हिस्से से ही करना है, ताकि जो इसकी जो ये हमें जो लच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो परत दिखाई दे रही है वो हमारी इसी से ही आएगी। तो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अगर आपको थोड़ा डस्टी लगा तो आप बीच में मैदा भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने मक्खन लगाया इसको अच्छे से बीच में, तो इसे थोड़ा सा ये आपका स्टिकी हो सकता है, पर आप घबराए नहीं। तो देखिए अब मैंने इसकी बड़ी रोटी तैयार कर ली है, ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है, इसके हम स्क्वायर्स में हम इसको शेप में कर देंगे इस तरह से। जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम स्टफिंग इसको रख देंगे बीच में, और इसको हम
अच्छे से जो हमने वो जो मैदे का जो वो बनाया था पेस्ट वो हम इसमें लगा देंगे ताकि ये तलते समय खुलेगा नहीं, अच्छे से ये जो है चिपक जाएगा। ये अच्छे से मैंने चारों तरफ लगा दिया है, तो हमें मोड़ने का स्टाइल देखना है। इस तरह से मोड़ेंगे जिससे कि ट्रायंगल शेप में आए निकल के। तो देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है, अब हम इसको गर्म तेल में हम इसको तलेंगे। तो आप ये देखना कितने अच्छे से ये इसका वो आएगा निकल के, कितने अच्छे से परत आएगी। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तलना है, मीडियम आंच पे हम इसे तलेंगे। हाई पे तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं, तो इसलिए हमें मीडियम फ्लो पर हम इसे तलेंगे। और अच्छे से हम देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इसको तलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आराम से हम इसे पलटेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से इसे बनाएंगे। ये देखिए धीरे से करके हम इसको पलटेंगे, तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन होना शुरू हुआ। इसी तरह से हम दोनों साइड से हम इसको सेकेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसको ऐसे करते रहेंगे। तो देखिए अब मेरा ये रेड हो चुके हैं, ये ब्राउन हो चुके हैं। तो देखिए अब मेरी जो पेटी से रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी परत भी आ गई है। तो इस तरह से मेरी आलू पेटीज जो है ये रेडी हो गई है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो आप इस स्नैक्स को आप इजीली बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरा बायो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।